सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस बाइक का हम रिव्यू करने वाले हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये होंडा कंपनी की है। कौन सी गाड़ी है भाई साहब? ये साइन S1। साइन S1 दो महीने हुआ। ये न्यू लुक आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिटीज है? इसमें मतलब एवरेज बढ़िया देती है। अच्छा, एवरेज कितने का देती है? 75 का एवरेज देती है। आपने अंदाजा है मतलब? हाँ, एक मैं निकाला एवरेज निकाला मैं। और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है? बाकी इसका लुक अच्छा है। ये महंगी गाड़ी है जी, 1,25,000 पड़ती है। 1,25,000 में टोटल आपको पड़ी। और इसमें अगर बात की जाए तो कुछ यूनिक तो ऐसा होगा कि जो पब्लिक को एट्रैक्टिव करे कि ये बाइक लेने के लिए इच्छुक हो जाएं लोग। तो इसमें क्या आपको कैसा मतलब क्या चीज़ ऐसा लगा कि जिससे आपने ये सोचा कि ये बाइक मेरे लिए ठीक? इसमें जैसे कि एवरेज बढ़िया देती है। अच्छा, और चलाने भी मज़ा आता है, लंबा रूट हो तो भी इसमें ठीक रहता है। और इसमें गियर कैसे मतलब लगते हैं? वो कोई अपाची अपाची मॉडल या कोई ऐसे ही? नहीं, ऐसे इसमें एक आगे लगता है, बाकी 4 गियर पीछे लगते हैं, 5 गियर लगते टोटल। और बाकी इसमें ये क्या एक बार स्टार्ट करके दिखाइए। हाँ, तो इसमें क्या क्या बताता है ये? इसमें जैसे कि टाइम है, गियर है, सब बताता है, कितनी चली हुई है, स्पीड बताता है। टाइम भी 2:41। हाँ, ये स्पीड है। हाँ, ये स्पीड बताता है, इधर चली हुई है 4,341 किलोमीटर चली हुई है। और वो न्यूट्रल? हाँ, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे गियर बताता है जैसे। और ये लीटर? हाँ, ये लीटर। हाँ, चलिए, मतलब ये फैसिलिटी दी गई है। हाँ। क्यों? और बाकी इसमें वो कहाँ है मेन? और वो बाकी ये इसमें हटाइए। हाँ, कहाँ है कौन सा? ये जैसे वो उसमें रहता नहीं है सुपर स्प्लेंडर? नहीं, इसमें वो सिस्टम नहीं है। तो जैसे तेल वेल अगर मान लीजिए कि खत्म होने वाला हो तो कैसे जानकारी मिलेगी कि इसमें? ये बताएगा ना, इसमें तेल वाली है ना, इसमें डंडी ये बताएगा, इसमें तेल वाला टंकी इधर बता देगा तेल। मतलब यहाँ इसमें रिजर्व वाला सिस्टम नहीं है कि रिजर्व में हो गई? वो सिस्टम नहीं, इसमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। चलिए ठीक है, पेट्रोल एक्स्ट्रा। और इसमें क्या क्वालिटी है? जैसे कि इसमें टायर भी है, ट्यूबलेस है। अच्छा, इसमें मतलब कहीं पंचर वंचर हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी बीच में जी? मतलब क्या कि इसमें ट्यूब नहीं पड़ी हुई है टायर में? बाकी ये गाड़ी अच्छा, अच्छा है। ये मिनिमम अब जैसे नई जनरेशन में अब जो अभी नए जमाने में आ रही है गाड़ी, वो शायद लमसम सभी ट्यूबलेस गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ हाँ, अभी ट्यूबलेस गाड़ियाँ आ रही है, इसमें सिस्टम है। बाकी पेट्रोल वाला एक पहले था डायरेक्ट वाला, वो उसमें भी नहीं जी। इसमें पहले से बता दिए पेट्रोल की टंकी, इसमें बता दिए कितना पेट्रोल आपकी है कितना नहीं है, सब बता दिए ये सिस्टम। बाकी इस गाड़ी में चलाने में भी मजा आता है, ऐसा नहीं है। भले 3 सवारी बैठो इसमें, ऐसा महसूस नहीं होता कितने पीछे बैठे। वजनदार गाड़ी है, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि हल्की भी हो? नहीं, वो नहीं, गाड़ी बढ़िया गाड़ी है। और पिकअप विकअप कैसे मतलब आपने तो यूज किया है? हाँ, बढ़िया पिकअप है इसका, अच्छा पिकअप है गाड़ी का, अच्छा पिकअप। अभी मैं गया था भुज से आगे वर्मा नगर जी जी, तब गया तो बहुत लंबा रूट था, तो मैं समझो लगभग 225 किलोमीटर जाके आया। अच्छा। उसमें मैं आ गया 3 घंटों में। 3 घंटों में? हाँ, 3 घंटों में आ गया, इधर पहुंच गया मतलब। अच्छा, अगर इसकी फुल स्पीड की बात की जाए तो कितनी होगी लमसम? फुल स्पीड 190 चढ़ाई थी, अभी इसमें हो सकती है 200 से ऊपर है। 190? हाँ, 190 सोचने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने का।